महाराष्ट्र के किसानों ने, विदर्भ के किसानों ने कई दशकों तक बड़े संकटों का सामना किया है। कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने किसानों को बदहाल और गरीब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहां जब तक महाअघाड़ी की सरकार थी, उसके दो ही एजेंडे थे। पहला, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को ठप करना, दूसरा इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। हम केंद्र से महाराष्ट्र के किसानों के लिए पैसा भेजते थे, लेकिन महाअघाड़ी सरकार उसमें बंदर बांट करके खा जाती थी। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का जीवन मुश्किल बनाया है, वो आज भी वही पुराना खेल खेल रही है। इसलिए कांग्रेस को पीएम किसान सम्मान निधि योजना पसंद नहीं आती। कांग्रेस इस योजना का मजाक उड़ाती है, किसानों को मिल रहे पैसों का विरोध करती है, क्योंकि किसानों के खातों में जा रहे पैसों से उनको जो कमाई करनी चाहिए, उनको जो कटकी करनी चाहिए, भ्रष्टाचार करना चाहिए, उसका अवसर नहीं रहा है। आज पड़ोसी राज्य कर्नाटका को देखिए, जैसे महाराष्ट्र में महायुति सरकार किसान सम्मान निधि के साथ अलग से पैसे देती है, ऐसे ही कर्नाटका में बीजेपी सरकार देती थी। यहां कर्नाटका के मेरे कई बंजारिया परिवार यहां आए हुए हैं, लेकिन जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने वो पैसा देना बंद कर दिया। वहां की कई सिंचाई परियोजनाओं से राज्य सरकार ने मुंह फेर लिया। कर्नाटका में कांग्रेस ने बीज की कीमतें भी बढ़ा दी। हर चुनाव से पहले कर्ज माफी का झूठा वादा कांग्रेस का पसंदीदा हथकंडा है। तेलंगाना में ये लोग कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन सरकार बनने के बाद इतना समय गुजर गया, अब किसान कुछ पूछ रहे हैं कि उनका कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ।